Very good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Now, students, today we will do revision work of chapter 9, time. हम chapter 9, time का revision कर रहे हैं. And today we will do find the total duration of the following time duration. Time duration के जो addition और subtraction के जो sums होते हैं, आज हम वो करेंगे. So, students, write down question number 1. Find the total duration of the following time duration. Sum है हमारा total durations का मतलब जब हम किसी भी चीज को plus करते हैं तो उसके answer को तो total बोलते हैं. तो total means कि हमको इसको क्या करना है? Addition करना है. इसको हमें plus करना है. So देखिए 5 hours 35 minutes. तो पहले हम यहाँ पर heading डालेंगे बेटे hours and minutes. How many hours? 5 hours 35 minutes plus 3 hours and 25 minutes. हमें इसको प्लस करना है. अब देखो बेटे कैसे करेंगे. पहले सिंपल प्लस करो. 5 plus 5 10 0 carry 1. 3 plus 2 5 plus 1 6 and 5 plus 3 8. So student हमारा आंसर क्या आया? 8 hours 60 minutes. So students you all know कि 60 minute is equal to 1 hour होता है. 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 आवर 60 मिनट्स हैं, इसको अब हम क्या करेंगे बेटे, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. ये किसमें चेंज हो जाएगा? 1 आवर में. तो हम 60 में से 60 मिनट्स को माइनस कर देंगे. ओके, तो आंसर हमारा यहाँ क्या आ गया? 0. और ये जो 60 मिनट है वो यहाँ आकर क्या बन गए? 1 आवर बन गए. तो जब वो 1 आवर बन गए, यहाँ तो हमने 60 मिनट्स को माइनस कर दिया और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. यहाँ पर हम इस 1 आवर को इसमें 8 आवर में प्लस कर देंगे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 आवर्स. मिनट्स कुछ भी नहीं रहेगा. सपोज अगर यहाँ पर हमारा 25 मिनट था, 35 होता, तो 35 और 35 70 हो जाता. तब भी हम इसे 70 जो है वो जब तक हमारे प्लस करके आंसर जो है मिनट वाला 59 तक आता है, तब तक हमारी सिंपल एडिशन रहता है, कोई चेंज नहीं करते. बट जैसे ही जब हम प्लस करके हमारे मिनट 60 हो जाते हैं, 59 से ज्यादा हो जाते हैं, 60 के बाद 70 75 80 जो भी मिनट्स हो उसमें से हम 60 मिनट्स को माइनस कर देते हैं. अब जो हम 60 मिनट माइनस करते हैं वो यहाँ पर आकर क्या बन जाता है? 1 आवर बन जाता है. We change 60 minutes into 1 hour. यहाँ तो हमने 60 मिनट को माइनस कर दिया उस नंबर में से. अगर यहाँ सपोज प्लस करते 75 होता, उसमें से हम 60 को माइनस करते तो यहाँ आंसर 15 मिनट रह जाता. और वही जो 60 मिनट है वो यहाँ 1 hour बन के प्लस हो गया. 8 plus 1 कितना हो गया? 9 हो गया. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल अगर आपका इस तरह आता है कि प्लस करके आपका आंसर 60 या 60 से ज्यादा है, तो आप 60 मिनट्स माइनस कर दोगे नंबर में से और वही 60 मिनट यहाँ पर 1 आवर बनाकर उसको हम प्लस कर देंगे. सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिफरेंस इन द फॉलोइंग 2 ड्यूरेशंस ऑफ टाइम. ये 2 ड्यूरेशंस दे रखे हैं टाइम की, इसमें आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. बट फाइंड द डिफरेंस में क्या करते हैं? व्हाट वी विल डू इन द फाइंड आउट करेंगे. इसमें क्या करेंगे? सबट्रैक्शन. डिफरेंस तभी पता चलता है जब हम माइनस करते हैं. पहले बेटे आपको चेक करना है कि कौन सी फिगर, हमेशा भी सबट्रैक्ट स्मॉलर फिगर फ्रॉम द बिगर फिगर. बिगर फिगर में से हम स्मॉलर को माइनस करते हैं. तो 5 आवर्स पढ़ा है कि 2 आवर्स? 5 आवर्स वाली लाइन पढ़ी है. पहले हम इसको देखेंगे. देखिए आवर्स जो बिगर वाला नंबर है, माइनस के सम में हमको सबसे पहले ये देखना होता है जो बिगर वाले नंबर होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं. तो आवर्स, ये 5 आवर्स इज बिगर है 40 मिनट्स, 2 आवर्स 50 मिनट्स. अब देखिए बेटे कैसे इसको माइनस करेंगे. आवर्स मिनट्स, देखिए लुक एयर बेटे बहुत ध्यान से समझना. देखिए बेटे ये है 40 और ये है 50. 50 40 जो है 40 इज स्मॉलर देन 50, तो 50 इज बिगर देन 40. तो 40 में से 50 माइनस नहीं हो सकता. तो पहले हम सम को चेंज करेंगे. सम को चेंज
चेंज करके लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स 40 इज लेस देन 50, तो इसलिए 40 में से 50 माइनस नहीं हो सकता। सो वी चेंज द सम। देखो हम सम को कैसे चेंज करेंगे, प्लस में हम क्या करते हैं 60 में से माइनस कर देते हैं उसको, और इधर 1 आवर प्लस हो जाता है, यहां पर जस्ट अपोजिट होता है। अब हम क्या करेंगे बेटे, इस 5 में से 1 कैरी लेंगे, तो यहां पर 5 की प्लेस पर क्या रह जाएगा 4, और ये जो हमने 5 में से 1 कैरी लिया 1 आवर, वो 1 आवर यहां आकर क्या बन गया 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। यहां पर वहां पर हमने मिनट्स को आवर में चेंज किया था, यहां पर हम 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 60 मिनट। अब उसमें ये 40 मिनट हम प्लस कर देंगे, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, तो हमारे ये दोनों, अब हमारा ये न्यू सम बन गया। ये क्या बन गया, 4 आवर्स 100 मिनट्स माइनस 2 आवर 50 मिनट्स। पहले आप सम को चेंज करेंगे माइनस के सम में। अगर सिंपल है, अगर 50 ऊपर होता 40 नीचे होता, तो हम सिंपल माइनस कर देते, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, बट यहाँ पर जो है ऊपर जो 40 जो है स्मॉलर नंबर ऊपर था, तो हमने क्या किया यहाँ से 1 आवर कैरी ले लिया, तो यहाँ पर 5 की प्लेस पर 4 हो गया, और 1 आवर इज इक्वल टू क्या बन गया 60 मिनट्स, और कितने में से माइनस करना था 40 में से, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। अब हम माइनस करेंगे, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 मिनट्स, एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मिनट्स। सो आवर आंसर इज 12 आवर्स एंड 50 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सो राइट डाउन दिस सम्स। नाउ स्टूडेंट वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कशीट 9। अब हम वर्कशीट 9 के वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 10। 10 नंबर के लिए बेटे क्वेश्चन 10 अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस वाली वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप अपनी बुक से देख के नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं पूरा आपका यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नोट नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है अहमदाबाद मुंबई शताब्दी, आप इसी से समझ जाएंगे, मैं पढ़ के आपको क्वेश्चन रीड करके इसका आंसर लिखा रही हूँ बेटे। अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस लीव अहमदाबाद एट 14:35 आवर्स एंड रीचेज मुंबई एट 2145 आवर्स, यानी अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस बेटे अहमदाबाद से कितने बजे चली है, लीव अहमदाबाद कितने बजे छोड़ा उसने 14:35 आवर्स पे, और मुंबई कितने बजे पहुंची 21:45 आवर्स पे। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन द जर्नी, इस जर्नी में इस ट्रेन ने कितना टाइम लिया अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में, हमको उसको उसका टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटे लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन द जर्नी, टाइम टेकन राइट डाउन बाय द ट्रेन इन द जर्नी, यही हमको फाइंड आउट करना है। नाउ सबसे पहले मैंने लिखेंगे लीविंग टाइम, कितने बजे वो ट्रेन चल रही है अहमदाबाद से, लीविंग टाइम इज इक्वल टू लीविंग टाइम इज इक्वल टू 14:35 आवर्स, 14:35 आवर्स, ये बेटा लीविंग टाइम हो गया। अब रीचिंग टाइम कितना है, पहुंचते कितने बजे है वो मुंबई, रीचिंग टाइम इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2145 आवर्स। ये दिस इज लीविंग टाइम एंड दिस इज रीचिंग टाइम, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू, अब हमें ये बताना है कि कितना टाइम ले रही है वो, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू रीचिंग टाइम माइनस लीविंग टाइम। जब हमको टाइम फाइंड आउट करना होता है, तब जितने बजे वो ट्रेन पहुंची है उसमें से हम जितने बजे अहमदाबाद से चले थे उस टाइम को हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये टाइम 14 है और ये 21 है, तो 14 में से तो बेटे 20, सपोज हम कहीं मार्केट जा रहे हैं, तो अगर हम 2 बजे गए 2 o'clock और 5 o'clock वापस आए, तो कितने
माइनस करते हैं इज इक्वल टू रीचिंग टाइम माइनस लीविंग टाइम। अब रीचिंग टाइम हमारा क्या है 2145 आवर्स 2145 आवर्स माइनस 1435 आवर्स। अब आप माइनस कीजिए इसे 5 माइनस 5 0 4 माइनस 3 1 अपन में से 4 नहीं जाएगा यहां से कैरी लो 11 माइनस ये क्या बन गया 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आया बेटे 7 1 0 आवर्स 0 7 0 आवर्स। तो सो टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन इज इक्वल टू 07 तो हमारे आवर्स हो गए यानी 7 आवर्स और ये 10 क्या है ये मिनट्स। कितना टाइम लिया ट्रेन में पहुंचने में 7 आवर्स। ये 7 जो है हमारे आवर्स हो गए इधर पे ये वाले 2 डिजिट्स मिनट्स है और ये 2 डिजिट्स आवर्स है। सो 7 जो है वो हमारे 07 मींस 7 आवर्स एंड 10 मिनट्स। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 7 आवर्स 10 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। Now students, today we have complete time equations in plus and minus and one word problem in revision work. So next word problems we will do in the next video. So students, this is all for today. Thank you.